नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हिंदी व्याकरण ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 17, कहानी लेखन। तो कहानियां सुननी तो सबको बहुत पसंद होंगी। चलिए आज हम सीखते हैं कि कहानियों को लिखा कैसे जाता है। कहानियां सभी की प्रिय होती हैं। बचपन में सभी अपने दादा दादी, नाना नानी अथवा किसी अन्य व्यक्ति से कहानियाँ सुनने का चाव रखते हैं। कहानियाँ लंबे समय तक याद रहती हैं। आपको भी रहती है ना याद, आप भी सुनते होंगे कहानियाँ। कहानियाँ प्राय राजा रानी, साधारण लोक जीवन या पशु पक्षी से संबंधित होती हैं। इन सबको ही कहानी के पात्र कहा जाता है। कहानी में होने वाली घटनाएं, जो भी कहानी में घटित होता है, उसकी कथा वस्तु कहलाती है। पात्रों द्वारा आपस में की गई बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। प्रत्येक कहानी किसी न किसी प्रयोजन हेतु लिखी जाती है, इसी को कहानी का उद्देश्य कहा जाता है। इस प्रकार कहानी के चार अंग होते हैं। कथा वस्तु, यह काल्पनिक या वास्तविक हो सकती है कि जो भी घटनाएं कहानी में सुनाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं, वो या तो लेखक की कल्पना हो सकती है या फिर वास्तविक अनुभव भी हो सकता है। पात्र ये मनुष्य, पशु, पक्षी आदि हो सकते हैं। उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य मनोरंजन व ज्ञान प्रदान करना होता है। कथोपकथन, कहानी सरल व प्रवाहपूर्ण कथोपकथन मतलब बातचीत से आगे बढ़ती है। संकेतों के आधार पर कहानी लिखना, नीचे संकेतों के आधार पर कहानी दी गई है, इसका अध्ययन करो। तो देखिए ये बच्चों संकेत दिए हुए हैं हमें, और कहानी का शीर्षक है संगठन की शक्ति। तो संकेत क्या क्या है, घना जंगल, बहेलिया का आना, जाल फैलाना, कबूतरों का पेड़ पर बैठना, दाना चुगने, नीचे उतरना, जाल में फंसना, सरदार द्वारा सबको उड़ने के लिए कहना, बहेलिए का दौड़ना, कबूतरों का जाल समेत उड़ना, चूहे का जाल काटना, सबका जाल से मुक्त होना। तो यहाँ पर संकेत जो है, इनसे हमें अनुमान तो हो ही गया है कि कहानी किसके लिए और कहानी में क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। एक दिन एक घने जंगल में एक बहेलिया कबूतर पकड़ने आया। उसने एक पेड़ के नीचे दाने डालकर अपना जाल फैला दिया। थोड़ी देर बाद बहुत से कबूतर उस पेड़ पर आकर बैठ गए। जब उन्होंने जमीन पर बहुत सा दाना बिखरा हुआ देखा, तो वे उसे चुगने के लिए नीचे उतर गए। नीचे उतरते ही वे जाल में फंस गए। जाल में फंसते ही सारे कबूतर चिल्लाने लगे और जाल काटकर निकलने की कोशिश करने लगे। कबूतरों के सरदार ने सबको चुप कराया और कहा, यह जाल बहुत सख्त है, ऐसे नहीं कटेगा, हमें इसे एक साथ लेकर उड़ना पड़ेगा कि हम सभी ताकत का प्रयोग करें और इसे एक साथ लेकर उड़ जाएं। कबूतर एक साथ उड़ने की तैयारी करने लगे। बहेलिए ने जब यह देखा तो वह दौड़ता हुआ आया, मगर जब तक वह वहां पहुंचता, कबूतर जाल लेकर उड़ गए थे। पहाड़ी के उस पार कबूतरों के सरदार का दोस्त एक चूहा रहता था। कबूतर जाल लेकर पहाड़ी के उस पार पहुँचे और जाल समेत जमीन पर उतर गए। सरदार के आवाज़ देने पर चूहा बाहर निकलकर आया और उसने अपने तेज दांतों से उस जाल को काट दिया। इस प्रकार सारे कबूतर जाल से मुक्त हो गए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया और उड़ गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मिलजुल कर काम करने से संकट दूर
हो जाता है। तो बच्चों, अब आप बताएंगे क्या पढ़ा और क्या सीखा। दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी विकसित करो। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ संकेत दिए गए हैं, मैं पढ़ती हूँ। एक राजा का मंत्री, तलवार से राजा की उंगली कटना, मंत्री का इसे ईश्वर की इच्छा बताना, राजा का क्रोधित होना, उसे जेल में डाल देना, राजा का शिकार खेलने वन को जाना, डाकुओं द्वारा राजा को पकड़ना, बलि के लिए ले जाना, पुरोहित का कटी हुई अंगुली देखना, बलि ना देना, राजा को मंत्री की बात याद आना, मंत्री को मुक्त करना और पुरस्कार देना। तो बच्चों, कहानी का शीर्षक आपको दिया हुआ है, जो होता है भले के लिए होता है। अब आपने इस कहानी को स्वयं लिखना है, संकेत आपके पास है, शीर्षक आपके पास है, तो ये है बच्चों आपका गृह कार्य। और यहाँ हमें शिक्षा भी दी हुई है, भगवान कभी कुछ भी गलत नहीं करते। तो चलिए आगे करते हैं। दिए गए चित्रों के आधार पर छोटी सी कहानी लिखो। नीचे दी गई संकेत पेटी से मदद लें। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये पुल पार कर रहे हैं, ठीक है, और पुल पार करते हुए दोनों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों ही नीचे गिर पड़े। उसी जगह दो बकरियां हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ से अपना रास्ता बनाया। संकेत पेटी देखते हैं। गांव के किनारे एक संकरा नाला, पानी तेज होना, नाले पर एक पतले पेड़ का गिरा होना, दो कुत्तों का आना, नाला पहले पार करना, आपस में लड़ना और बहना, दो बकरियों का आना, आधे रास्ते तक पहुंचना, एक का नीचे बैठना, दूसरी का ऊपर से निकलना, अपने अपने रास्ते जाना। तो बच्चों, आपको कहानी तो समझ में आ गई होगी, तो आपने यहाँ पर अपनी कहानी लिखनी है। तो ये भी है आपका गृह कार्य। संकेत पेटी से मदद लेकर आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी है, चित्रों के आधार पर कहानी लिखो। तो बच्चों, इस कहानी को भी आप चित्र के आधार पर स्वयं लिखेंगे। अब तुम एक कहानी अपने आप लिखो, ठीक है। यहाँ पर आपको कहानी का शीर्षक दिया हुआ है, परोपकारी बालक, और शिक्षा है हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और इसमें प्रमुख पात्र हैं परिणय। परिणय के स्वभाव को बताएं पहले आप, कि परिणय कैसा बच्चा है, ठीक है। उसके माँ बाप परिवार की बात करो, उसके परोपकार की तीन चार घटनाएं बताओ कि वो बहुत परोपकारी है। एक दिन यात्रियों का जुलूस देखता है, लोग गर्मी से परेशान हैं, वह सबको ठंडा पानी पिलाता है। दूसरे दिन वह किसी व्यक्ति का खोया हुआ पर्स पुलिस स्टेशन में जमा कर देता है। अध्यापक कहते हैं सफाई आंदोलन के लिए लड़के चाहिए, वह सबसे आगे रहता है, पूरा दिन शहर में काम करता है। अब तुम अपनी ओर से एक घटना जोड़ो। देखिए, यहाँ पर हमने आपको तीन उदाहरण दिए परिणय के, परोपकार के। अब आपको अपनी तरफ से एक घटना जोड़नी है और कहानी को पूरी करो। अंत में बताओ कि प्रिंसिपल ने कैसे सभा में उसकी प्रशंसा की। तो अब आप बनने वाले हैं कहानी के लेखक, आप ये कहानी स्वयं लिखेंगे। तो आज आपके पास बहुत सारा गृह कार्य है, आपको कहानियाँ लिखनी हैं। चलिए, और इस चित्र कथा को थोड़ा परिवर्तित करके इस प्रकार भी लिखवाया जा सकता है। एक जंगल में आप भटककर बहुत घबरा गए,
किंतु वहाँ नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे और खरगोश देखकर सांत्वना मिली और आप सकुशल लौट आए। उपयुक्त कहानी के आधार पर पहले चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे आप और फिर कथा का वर्णन करेंगे। ठीक है, आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।